यो फ्रेंड्स, आई एम ईशान फ्रॉम IRB। आजकल दिवाली की बहुत धूम मची हुई है और हर जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। घर से बाहर निकलो, मार्केट में पहुँचो, नहीं कि जाम ही जाम। चलो ये सब छोड़ो। दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हम लोग खुशियाँ बांटते हैं आपस में, लोगों को गिफ्ट देते हैं एंड डिफरेंट थिंग्स। पर हमने आजकल की जनरेशन ने, जैसे मैं और मेरे कई से दोस्त, हमने दोस्ती नहीं, बहुत लोग, हमने इस त्यौहार को खुशियों के त्यौहार के बजाय हमने ये त्यौहार बना दिया कि इसमें पटाखे फोड़े जाते हैं। बच्चे इसलिए खुश होते हैं कि पटाखे फोड़ेंगे अब हम। पर पटाखों से होता क्या है? सिर्फ पोल्यूशन बचता है। एक बार आप 10 रुपये का नोट जला के देखें। ये बात मैं नहीं, मेरी मैम ने बताया मेरे को, स्कूल के मैम ने, कि पैसे और जलाने से इतना मज़ा नहीं आएगा, पर पटाखे जलाने से मज़ा आता है। एक बार पैसे जला के देखिए, आपको भी दुख पहुंचेगा। पटाखे हम ऐसे जला देते हैं, पर पटाखे जला के किसी को खुशी पहुंचती भी है, पर उनका क्या, जो साफ़ सफाई करते हैं, जो रोडों की साफ़ सफाई करते हैं एंड डिफरेंट थिंग्स, उनके लिए तो छुट्टी का मतलब होता है कि अगले दिन फिर से काम, पनिशमेंट हो जाते हैं उनके लिए दिवाली का त्यौहार। तो उनको साफ़ सफाई, हर जगह कूड़ा कचरा। अभी PM मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुरू किया था, पर उसके बाद तो फिर दिवाली का त्यौहार में हम इतना कचरा मचाते हैं, उसका क्या हुआ फिर? फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिवाली का त्यौहार दीप का होता है, कि मतलब हम लाइट का होता है, रोशनी का, पर हम तो पटाखे जला जला के पूरा मज़ा खराब कर देते हैं। अब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके कान की जो सुनने की एबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। पटाखों की तेज़ आवाज़ से उनको बहुत सही इंजरीज या फिर पर प्रॉब्लम्स होते हैं। अब कई बच्चे शैतान होते हैं, पूंछ में बांध देंगे, पटाखे फोड़ देंगे। अब उनको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना, वो भगवान के बनाए हुए क्रिएचर्स हैं। मैंने भी 2 डॉगीज़ पाले हुए हैं, मेरे को पता है, चाहे मैं ना फोड़ता हूँ, बाहर जितनी आवाज़ें होती हैं उन मेरे डॉगीज़ को इतनी प्रॉब्लम होती है, तो क्या गली के डॉगीज़ को नहीं होती होगी? फ्रेंड्स, इस बार हमको ऐसा करना चाहिए कि पटाखे ना जलाकर सिर्फ खुशियाँ बांटें। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इलिटरेट है, पुअर है, उनको हमको समझाना चाहिए। मैं ऐसा आप लोग से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने घर में छोटों को, इवन बड़ों को समझाइए कि पटाखे ना दिलाएं। उसके बदले आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे दूसरों का भी अच्छा हो। आप बुक्स ले सकते हैं जिससे आपके पढ़ने की बन जाए, हैबिट बन जाए। आई होप आप लोग कुछ तो समझोगे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। दिवाली के त्यौहार को खुशी से मनाएं, ना कि कचरा मचा के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दैट, गिव अ थम्स अप। थैंक्स।